तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 16/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 1600 रुपीज़ इन ऑल फॉर फ्लड रिलीफ। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने बाढ़ राहत कोष में 1600 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इंग्लिश में लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स। फिर इंग्लिश मीडियम में लिखोगे अमाउंट डोनेटेड बाई ईच स्टूडेंट, हिंदी में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि बराबर एक्स। दोनों को मान लिया गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में, ATQ शॉर्ट में, हिंदी में प्रश्नानुसार, तो टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करके ही 1600 पे हो रहा है, ठीक है ना, डोनेट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1600 के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 1600 के। तो एक्स बराबर ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले इधर 1600 का एलसीएम निकाल लो, 2 से कट करोगे 800 आएगा, फिर 2 से कट करोगे 400, फिर 2 से कट करोगे 200, फिर 2 से कट करो 100, फिर 2 से कट करो 50, फिर 2 से कट करो 25, फिर 5 से कट करो 25, 5 पे आएगा, फिर 5 से कट करो 1 पे आएगा। तो मतलब कि हम 1600 को लिख सकते हैं, इसके फैक्टर क्या हैं, 2 कितनी बार हैं, 6 बार हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 5 दो बार हैं। तो रूट में ऐसे करके हम लिख सकते हैं गुणे का निशान लगा कर। अब जोड़ा बना लो, देखो एक किसका बना, तो इसमें से 1-2 निकलेगा एक फिनिश हो जाएगा, इसमें से 1-2 निकलेगा एक फिनिश, इसमें से 1-2 निकलेगा एक फिनिश, इसमें से 1-5 निकलेगा एक फिनिश, ठीक है। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40 आ जाएगा, 2 2 4 2 8 5 6 40, मतलब कि 40 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि 40 विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों की संख्या 40 है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सॉल्व करना, समझ गए। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, अपने मीडियम को ध्यान देते हुए लिख लो आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।